अमित शाह जो है वो मंच पर होंगे, क्योंकि आज वर्चुअल रैली बीजेपी की तरफ से की जा रही है और इसी की तस्वीर आपके स्क्रीन पर। पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैली हो रही है, लोगों को संबोधित करेंगे इसी के माध्यम से कुछ ही देर में अमित शाह। और मंच में आप देखिए तमाम नेता जो है वो मौजूद है। आशिका हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई है। यानी आशिका, इस तरीके से देखें तो आज जो ये वर्चुअल रैली है इसमें ममता सरकार की 9 साल की 9 खामियां गिनाने की कोशिश है बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल, और ये करोड़ों लोगों से जुटने की कोशिश है बीजेपी की तरफ से, और माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का ये शंखनाद है। ये वर्चुअल रैली पहली बार ऐसा मौका है जो पश्चिम बंगाल में हो रही है, और यहाँ पर लाखों लोग जुड़े हैं, और बीजेपी के जो नेता है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनका ये भी दावा है कि राज्य सरकार की तरफ से इस वर्चुअल रैली पर वर्चुअल हमला करने की कोशिश हो रही है, और उनका ये भी आरोप है कि राज्य सरकार जिलों जिलों में इंटरनेट सेवाओं को बाधित कर रही है ताकि लोग इस रैली में शामिल ना हो सकें। आशिका आप रहिए, इसी बीच रूपा गांगुली क्या कह रही हैं, जरा उनको सुन लेते हैं। सांसद रूपा गांगुली हैं। दीदी, क्या ये शिकायत मिल रही है कि इंटरनेट सेवाएं बाधित करने की कोशिश की जा रही है? कौन कौन से जगह पे आया है मुझे एग्जैक्टली अभी तक पता नहीं, मैं तो खुद ही गाड़ी चला के बहुत देर से दूर से आ रही हूँ। ये प्रचलित है यहाँ पे पश्चिम बंगाल में। जब हम गणतंत्र बचाओ आंदोलन किए थे, हम लोग कुछ बिहार में थे, तो हमको ये दिखा कि पूरे उस इलाके के केबल नेटवर्क बंद कर दिया गया था, और जितने बड़े बड़े सभा 19 के इलेक्शन में बड़े नेतृत्व आए हैं वहाँ पे लोकल जगह पे हर जगह पे ऐसे बंद कर दिया गया था, जो जिसके साक्षी हम खुद हैं, क्योंकि हमको रात में जाके गांववासी को बोलना पड़ता था। सब लोग कंप्लेन करते थे कि पूरे टीवी केबल नेटवर्क लोकल बंद कर दिए गए, क्योंकि ये लोकल नेतृत्व के वो टीएमसी वाले चलाते हैं। यानी आशिका, अब इसको लेकर इस तरीके की बातें आ रही हैं कि इंटरनेट को बाधित किया जा रहा है। जी बिल्कुल, यही आरोप बीजेपी के नेता लगा रहे हैं, और सांसद सौमित्र खां आज इसके पहले ही जो है सुबह जाकर के राज्यपाल से मिलकर के उन्होंने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है अपनी, और उनका ये कहना है कि क्योंकि ये वर्चुअल रैली में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होंगे तो इससे साफ संदेश जाएगा कि लोग राज्य सरकार से खुश नहीं है इस कोरोना काल में, इस वजह से राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि लोग इसमें ज्यादा शामिल ना हो सकें, जिसकी वजह से वर्चुअल रैली पर एक वर्चुअल अटैक किया जा रहा है, ये आरोप बीजेपी की तरफ से है। ठीक है आशिका, आप रहिए। दरअसल क्या स्थिति और किस तरीके से वर्चुअल रैली को कारगर बनाने की कोशिश हो रही है, हमारे सहयोगी नीरज की रिपोर्ट देखिए। बीजेपी की वर्चुअल रैली का आज तीसरा दिन है, और तीसरे दिन की शुरुआत पश्चिम बंगाल जन संवाद रैली से है, और इसे संबोधित करेंगे मुख्य वक्ता के तौर पे गृह मंत्री अमित शाह। और देख सकते हैं तमाम सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा और जो स्वास्थ्य के प्रोटोकॉल हैं उनका पालन किया जा रहा है, और ये दर्शक दीर्घा है। यहाँ पश्चिम बंगाल से जुड़े नेता बैठते हैं दर्शक दीर्घा में। यह सामने की स्क्रीन आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरा पर्सन गगन से कहेंगे कि यह बैकड्रॉप का स्क्रीन है। इसमें जैसे ही रैली शुरू होगी उसके बाद जो मुख्य मंच है, मुख्य वक्ता का मंच है दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में, और पश्चिम बंगाल में जो प्रदेश मुख्यालय में मंच है वो दोनों यहाँ देख सकेंगे लोग। और यहाँ हम बातचीत करते हैं संजय मयूख जी से। संजय मयूख जी, शुरुआत की बिहार की रैली से, वर्चुअल रैली से, उसके बाद उड़ीसा और महाराष्ट्र के लिए किया, अगले साल पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, तो इन चुनावी राज्यों पे फोकस है क्या? देखिए, ये कहीं से चुनावी राजनीति नहीं है। हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने भाषण में स्पष्ट शब्दों में बता दिया था, हमारा चुनावी राजनीति से इस वर्चुअल रैली का कोई लेना देना नहीं है। हम सीधे तौर पे आम जनता से जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद मिला है हमें, तो उस आशीर्वाद के कारण हम गांव, गरीब, किसान, नौजवान सबसे सीधा साक्षात्कार करना चाहते हैं, इसीलिए हम सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे हैं। लेकिन ममता बनर्जी हो या टीएमसी के दूसरे नेता हो, रैली पश्चिम बंगाल पे हैं, रैली के बाद हमला करने से नहीं चूकेंगे? देखिए, आरोप लगाने से पहले उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या किया है, हम बता रहे हैं कि हमने क्या क्या किया है। तो ये बैकड्रॉप का स्क्रीन है, और इधर आप दिखाना चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन से, अनुरोध करेंगे कि यहाँ जो कोलकाता में मंच बनाया गया है जहाँ प्रदेश
प्रदेश के नेता मौजूद रहेंगे, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, इस स्क्रीन पे उनकी तस्वीरें आएंगी। तो चौथी रैली, वर्चुअल रैली भारतीय जनता पार्टी की बिहार में रैली हो चुकी है, उड़ीसा में के लिए हो चुकी है, महाराष्ट्र के लिए वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया है और अब पश्चिम बंगाल की बारी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि चुनाव से इस रैली का कोई मतलब नहीं है, सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए लोगों से संवाद स्थापित कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन विपक्षी पार्टियां भी जो हैं वो हमला करने का मौका नहीं चूकेंगी। कैमरा पर्सन गणेश के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। आशिका हमारे साथ बनी हुई हैं। आशिका, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि चुनावी रैली की तरह नहीं है, ये लोगों से संवाद करने की कोशिश है, लेकिन टीएमसी इसको इस तरीके से तो नहीं देख रही है, उसको लग रहा है कि राजनीति, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है। बिल्कुल, एक तरफ जो है टीएमसी के जो नेता अभिषेक बैनर्जी है उनका ट्वीट भी आ गया है आज सुबह इस वर्चुअल रैली को लेकर के, और उन्होंने कहा है कि वर्चुअल रैली के पहले गृह मंत्री अमित शाह ये जवाब दें कि क्या चीनी सेना भारत में घुसी है या फिर नहीं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के टीएमसी की तरफ में जो बौखलाहट है, खलबली है, उसे देखा जा सकता है। कि पहले कल भी मुख्यमंत्री से पूछा गया था कि क्या वो भी किसी वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगी, तो उन्होंने ये कहा था कि अभी ये तो तय नहीं है, लेकिन 21 जुलाई जब टीएमसी का सबसे बड़ा रैली, सबसे बड़ी बड़ा कार्यक्रम होता है, संभव है कि वो भी इसी रास्ते, वर्चुअल रास्ते ही जनता तक पहुंचे।